इस बीच बड़ी खबर आ रही है, उलेमा काउंसिल के प्रमुख मौलाना आमिर रशीदी मदनी ने लखनऊ एनकाउंटर को फर्जी कहा है। मौलाना ने कहा है कि बाटला की तरह लखनऊ एनकाउंटर भी फर्जी है। मौलाना ने एनकाउंटर को सरकारी आतंकवाद तक कह डाला। हाउस की तर्ज पर एक फर्जी एनकाउंटर है और ये सरकारी आतंकवाद है। आप देख रहे हैं कि जिस जगह मैं खड़ा हूँ इमरान के घर पे, रात में इमरान आता और पुलिस आती है सुबह और उनके घर वालों को बैठाल करके टेम्पू में लेके चली जाती है। ये पूरे तौर पे एक मनगढ़ंत कहानी है। मैं सैफुल्ला के वालिद से मिलके आ रहा हूँ, यहाँ इन लोगों से मिलने आया था। ये पूरे इनकाउंटर की मुझे ये बताया गया, जितने हथियार दिखाए गए हैं उतना हथियार रखने के बाद अगर वो आतंकवादी था, जंगले के पास पुलिस वाले घूम रहे हैं, क्या वो ये कहा जा रहा क्रॉस फायरिंग भी हो रही है, तो क्या वो पुलिस वालों पर कुछ तो गोली चलाता, अंदर वो किस पे गोली चला रहा था? ये इस बात की अलामत है कि पुलिस वालों ने रात में उसको घर में होस्टेज कर रखा था और पुलिस वाले अंदर से गोली चला रहे थे। जो फोटोज आए हैं बाहर, जिस तरह बकरा जबा किया जाता उस तरह दीवार पे खून है, आप लोगों ने भी देखा होगा, सोशल मीडिया पे टहल रहे हैं। तो उलेमा काउंसिल ने इस एनकाउंटर को फर्जी बताया है, यहाँ तक कि इसे सरकारी आतंकवाद तक कह दिया है। आपको याद दिला दें, 8 तारीख को जब उत्तर प्रदेश में आखिरी चरण का मतदान हो रहा था, ठीक उसी वक्त लखनऊ में यह एनकाउंटर हो रहा था और 9 घंटे के इस एनकाउंटर में सैफुल्ला को मौत के घाट उतारा गया। लेकिन आज मौलाना मदनी का ये बयान सामने आया है जो आपने अब से थोड़ी देर पहले सुना, जिसमें उन्होंने साफ कहा कि ये एनकाउंटर फर्जी है। क्या कहा एक बार फिर सुनिए। हाउस की तर्ज पर एक फर्जी इनकाउंटर है और ये सरकारी आतंकवाद है। आप देख रहे हैं कि जिस जगह मैं खड़ा हूँ इमरान के घर पे, रात में इमरान आता और पुलिस आती है सुबह और उनके घर वालों को बैठाल करके टेम्पू में लेके चली जाती है। ये पूरे तौर पे एक मनगढ़ंत कहानी है। मैं सैफुल्ला के वालिद से मिलके आ रहा हूँ, यहाँ इन लोगों से मिलने आया था। इस वक्त की बड़ी खबर एक बार फिर आपको बता दें, लखनऊ एनकाउंटर पर उलेमा काउंसिल के प्रमुख मौलाना आमिर रशीदी मदनी का बड़ा बयान आया है, जिसमें इस एनकाउंटर को उन्होंने फर्जी बताया है। क्या कहा है उन्होंने एक बार फिर आपको सुनाते हैं। एक फर्जी एनकाउंटर है और ये सरकारी आतंकवाद है। आप देख रहे हैं कि जिस जगह मैं खड़ा हूँ इमरान के घर पे, रात में इमरान आता और पुलिस आती है सुबह और उनके घर वालों को बैठाल करके टेम्पू में लेके चली जाती है। ये पूरे तौर पे एक मनगढ़ंत कहानी है। मैं सैफुल्ला के वालिद से मिलके आ रहा हूँ, यहाँ इन लोगों से मिलने आया था। ये पूरे इनकाउंटर की मुझे ये बताया गया, जितने हथियार दिखाए गए हैं उतना हथियार रखने के बाद अगर वो आतंकवादी था, जंगले के पास पुलिस वाले घूम रहे हैं, क्या वो ये कहा जा रहा क्रॉस फायरिंग भी हो रही है, तो क्या वो पुलिस वालों पर कुछ तो गोली चलाता, अंदर वो किस पे गोली चला रहा था? ये इस बात की अलामत है कि पुलिस वालों ने रात में उसको घर में होस्टेज कर रखा था।